1972 से लेकर के अब तक इस कन्वेंशन के तहत भारत को इसकी वर्किंग कमेटी में, जो एक तरह से इसका स्टीयरिंग ग्रुप होता है, उसमें काम करने का अवसर मिला। लेकिन ये पहली बार है कि भारत को अध्यक्षता के साथ साथ में भारत में वर्किंग कमेटी की मीटिंग, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जो है वो आयोजित करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। बहुत थोड़ा सा समय था सरकार बनने के बाद, मात्र 40 दिन से भी कम समय में ये निर्णय करके, और इतना बड़ा आयोजन जिसमें दुनिया के 165 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागी सम्मिलित होने थे, दुनिया भर के लगभग 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स जिस कार्यक्रम में उपस्थित होने थे, ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर और सफलतापूर्वक आयोजित कर भारत की जो कैपेसिटी G20 के बाद में बढ़ी है, और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने ये क्षमता अर्जित की है, दुनिया भर के लगभग 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स जिस कार्यक्रम में उपस्थित होने थे, ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर और सफलतापूर्वक आयोजित कर भारत की जो कैपेसिटी G20 के बाद में बढ़ी है, और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने ये क्षमता अर्जित की है, उसका एक नायाब उदाहरण जो है वो देखने को मिला है। इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के बाद, मीटिंग में हम लोगों के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में जो देश में पहली बार आयोजित हुई, उसमें भारत की एक और पूरा महत्व की संपदा, ऐतिहासिक महत्व की संपदा, असम के सराइदेव जिले में स्थित जो मौइदाम्स हैं, ताई अहोम डायनेस्टी 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उस पूरे क्षेत्र में शासन किया था।